सभी की तरह मैंने भी रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया है, पर इवनिक ये है कि मैंने अपने बहन को राखी बांध दी है और वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो हमने रक्षाबंधन सेलिब्रेशन के लिए हमने पिज़्ज़ा मंगवाया था। ये 90 और 100 रुपए की जो पिज़्ज़ा आते हैं डोमिनोज से ही वो है, क्योंकि ज़्यादा हमें खाना नहीं था। और उसके बाद हम सजावट में लग गए थे। मेरी दीदी पहले ऑफिस से आई, उसके बाद वो रेडी हुई, मैं रेडी हुई, और उसके बाद हमने प्लेट सजाना स्टार्ट किया है। इनमें से मिठाई जो है वो मैं लेके आई थी और दीदी ये चिप्स वगैरह लेके आए थे। और वे मिठाई वाली जो ब्लॉग है मैं सुबह की, वो भी मैं डालने वाली हूँ मेरे ब्लॉग में। और मुझे ये प्लेट सजाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये राखी इतनी क्यूट थी ना कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और ये ऐसे प्लेट सजाना, मिठाई सजाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फाइनली हमारा मिठाई सजाना हो गया है, अब हम बैठेंगे राखी बांधने के लिए। और राखी बांधने के टाइम पर नोक झोंक तो होती ही रहती है कि पैर छूना है, ये करना है, वो करना है। पर सच बोलूँ तो हमारे यहाँ पर रक्षाबंधन की बहनों को राखी बांधने की कोई रिचुअल्स था नहीं। सभी बचपन में बोलते थे कि तेरी बहन नहीं है तो राखी यहाँ पे बांधा नहीं जाएगा, ये है वो है, तो हम लोगों को थोड़ा सा वो बुरा लगता था। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं भाई, आजकल बहनों की भी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, तो हम भी रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं। अभी 2 साल पहले से हम लोगों ने ये राखी बांधना स्टार्ट किया है एक दूसरे को, पर एक्चुअली ज़रूरत पर टाइम आता है तो आई प्रोटेक्ट हर एंड शी प्रोटेक्ट मी। बात आई गिफ्ट की तो इस बार गिफ्ट नहीं हुआ था। पिछले साल को हम दोनों ने एक दूसरे को फ़ोन गिफ्ट किया था, पर इस टाइम पे नहीं हो पाई, तो गिफ्ट पेंडिंग है, वो तो बाद में दिया जाएगा। ओवरऑल हैप्पी रक्षाबंधन।